का हम आपको सिर्फ एक लेबर क्लास की जॉब ऑफर कर सकते हैं। मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, अपने पापा को बोल देना अगर आज शाम तक हमारे पैसे नहीं लौटाए ना तो गोली मार देंगे उनको। इफ यू वर्क हार्ड टूवर्ड्स योर गोल, इफ यू डू नॉट गिव अप, इफ यू आर परसिस्टेंट अबाउट योर एक्शंस, योर लाइफ विल नेवर रिमेन द सेम। देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ दैट आई वांटेड टू फिनिश माय लाइफ, बट देन वन स्मॉल एक्शन, वन स्मॉल थॉट हैज चेंज्ड माय लाइफ। I vividly remember that evening when my mom was in the kitchen and I was a small kid playing in the house and the door knocks. So I went outside to open the door. और मैंने देखा कि कुछ दो तीन अंकल 5.5-6 feet की हाइट के बाहर खड़े हुए थे। मैंने दरवाज़ा खोला, जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उन्होंने मेरे से पूछा, पापा कहाँ हैं आपके? मैंने कहा, अंकल वो तो घर पे नहीं है। उनमें से एक अंकल ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोला, अपने पापा को बोल देना अगर आज शाम तक हमारे पैसे नहीं लौटाए ना तो गोली मार देंगे उनको। आई वॉज नंब, आई वॉज नॉट अवेयर वट इज़ हैपनिंग। ऑल आई कैन डू वॉज जस्ट क्राई अ लॉट। हाई फोक्स, My name is author Sherry. I am the founder and president of MS Talks India. I am a professional speaker, corporate facilitator. So as I was telling you about my story, that I was not sure what is going on at my home. I remember in my school days, back in 1999, I was sitting on the last bench and we friends were just enjoying and talking, and suddenly my class teacher called my name, Supreet, come in the front. And I went there, I was wondering why did she call me today? But when I went there, my class teacher told me, Supreet, I'm really sorry. We are not able to continue with your admission because your parents have not paid your school fees. I left from that place without saying anything to my friends or meeting any of my teacher. And while I was going back to the home, the only thought which I had in the mind was, aisa kya chal raha hai mere ghar ke andar, jo ki mere parents ne meri school ki fees nahi bhari abhi tak. So when I went there, I reached at my home, I found the situation very different. All I could observe in next few days was people are coming and threatening us to collect their money. So my father got very disturbed and he went away saying and without saying anything to us. And at that point of time, me with my mother, we were all alone. We could barely manage our finances. So I was sent to my relative's house and my mom went to my grandmother's house. So aap jab ghar pe hote ho, aapki mom aapko kitne pyar se khana parosti hai. Lo beta, एक फुलका और खा लो, कुछ सब्जी और ले लो। बट द सेम थिंग व्हेन दैट हैपन्स टू यू व्हेन यू आर एट योर रिलेटिव्स प्लेस, एक दो बार तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ कोई मुझे प्यार कर रहा है, कोई मेरा ध्यान रख रहा है। बट यही आपके साथ बार बार रिपीटेशन में होता है तो कई बार आपको टॉन्ट फील होने लग जाता है। सो आई वॉज वेरी स्मॉल दैट टाइम, आई वॉज जस्ट 14 और मैंने भी ऐसा ही कुछ फील किया एंड आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू कमिट सुसाइड, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस एनी मोर नाउ। वन फाइन डे मैं वहाँ घर से बगैर किसी को कुछ बताए निकल गया विद द थॉट्स दैट आई विल बी कमिटिंग सुसाइड टुडे। सो आई वेंट देयर टू द रेलवे ट्रैक, आई सिट डाउन ओवर देयर एंड ऑल आई वॉज थिंकिंग कि मैं अब कब यहाँ से जंप करके छलांग मार के अपनी लाइफ को फिनिश कर लूँ। जैसे ही मैं थॉट सोच रहा था, मैंने ज़ोर ज़ोर से एक छोटे बच्चे की तरह रोना शुरू कर दिया। खूब रोया मैं, 3-4 घंटे तक मैं बिल्कुल नहीं रुका, रोता रहा। कोई भी नहीं था मेरा रोना सुनने वाला वहाँ पे। जब 3-4 घंटे बाद मैंने रोना बंद करा तो मेरे अंदर से एक इनर वॉइस आई जिसने मेरे से बात करी और वहाँ से मुझे एहसास हुआ, आई स्पोक टू माई सेल्फ दैट आई शुड चेंज माई लाइफ,
आई विल नॉट बी लिविंग दिस लाइफ एंड आई विल नॉट बी लूजिंग माई लाइफ लाइक दिस. क्योंकि अगर आज मैं अपनी लाइफ ऐसे ख़त्म कर लूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होने वाला है, मेरी मदर आ जाएगी मेरी बॉडी पे और रो लेगी, दैट्स ऑल, और तो कोई भी नहीं है मेरे पीछे. सो आई थिंक दैट इज़ वट चेंज्ड माई एंटायर माइंड सेट एंड आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट आई शुड नॉट गिव अप माई लाइफ लाइक दिस एंड आई शुड नॉट बी लिविंग माई लाइफ लाइक दिस. एंड माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज़ that if any time in your life, if you feel that you're not working towards your goals and dreams in your life, then probably something has to be changed in your life. And that something start with a small action, a small thought. A small thought and action towards it can change your life. So don't stop, don't give up. All you need to do is just take small steps and your life will never remain the same. वहाँ से फिर जब मैंने ये सब हुआ, आई इमिजिएटली चेंज्ड माई माइंड और मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था कि अब मुझे अपनी पढ़ाई किसी तरीके से कंप्लीट करनी है. सो आई वेंट टू मीट माई स्कूल फ्रेंड एंड आई टोल्ड हिम द एंटायर स्टोरी व्हाट हैज़ हैपेंड विद मी एंड आई आस्क्ड फॉर अ फेवर टू गेट सम हेल्प ऑन गेटिंग एडमिशन इन टू अ स्कूल. तो ही सेड कि तू एक काम कर, तू ओपन स्कूल में जाके एडमिशन ले, वहाँ की फ़ीस भी बहुत कम है. बट मेरे पास तो वो फीस पे करने के लिए भी पैसे नहीं थे. लेकिन उस वक्त तक मेरे को ये समझ में आ गया था कि मुझे अपनी फ़ीस जो भी पे करनी है वो मुझे खुद कमा के पे करनी है. आई विल अर्न इट माई सेल्फ. सो आई टोल्ड दिस एंटायर थिंग टू माई मॉम. माई मॉम वॉज रियली हैप्पी कि मैं अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करना चाहता हूँ. सो शी हेल्प मी कि आप एक काम करो, मैं आपको किसी का रेफरेंस दे रही हूँ, आप वहाँ जा करके उनसे जॉब की बात कर लो. एंड व्हाइल आई वॉज गोइंग देयर टू मीट दैट ओनर ऑफ द कंपनी, आई वॉज हैविंग द थॉट्स कि आज मुझे एक एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब मिल जाएगी जहाँ पे मैं बैठ के आराम से काम करूँगा और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा और साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई करता रहूँगा. बट व्हेन आई रीच देयर वाज कम्प्लीटली अ डिफरेंट स्टोरी. जब मैं वहाँ पहुँच करके मैंने उनको बताया अपने बारे में, तो उन्होंने कहा हम आपको सिर्फ एक लेबर क्लास की जॉब ऑफर कर सकते हैं जहाँ पर आपको हथौड़ी लेनी है, सरिये पर ज़ोर से मारना है, तोड़ना है, पानी से धोना है और साफ़ करना है. आई वॉज हेल्पलेस दैट टाइम. I did not understand what to do in my life that point of time. And all I could think of was to take admission in my school. I spoke to that owner of the factory that ki mujhe kuch paise sir advance bhi chahiye. Unhone kaha ki hum pehle aapka kaam dekhna chahte hain, uske baad hi hum aapko kuch paise de payenge. So from the next day I started coming towards the to the factory. Main roz apna lunch ka box uthata tha, roz wahan factory mein jata tha, kaam karta tha sara din, sham ko lunch ka dabba utha ke घर वापस आ जाता था और सो जाता था. ये रूटीन मेरा नेक्स्ट 15 डेज तक चलता रहा. एंड वन फाइन डे माय बॉस कॉल्ड मी एंड ही सेड वी आर वेरी इंप्रेस्ड विद योर वर्क एंड वी वांट टू गिव यू 2,000 रुपीज़ एज एडवांस. जैसे ही मुझे वो पैसे मिले मैं बहुत खुश हुआ और सीधा जाके मैंने अपनी मॉम को सारी बात बताई और नेक्स्ट डे जाके मैंने स्कूल में एडमिशन लिया. ये सब चलता रहा, साथ साथ मैं पढ़ाई करता रहा, साथ साथ मेरी जॉब भी चलती रही. एंड आई थिंक व्हाट वाज हैपनिंग राइट इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ वॉज कि मैं एक गोल पे कंसिस्टेंटली फोकस करके काम कर रहा था. एंड आई वॉज अवेयर दैट इफ एनी थिंग कैन चेंज माई सिचुएशन राइट नाउ वॉज परसिस्टेंस एंड डेडिकेशन टूवर्ड्स माई वर्क. सो दैट इज़ हाउ आई कम्प्लीटेड माई 12th क्लास. एंड अगेन आई वॉज इन कम्प्लीट डिलेमा कि अब मुझे क्या करना है लाइफ में. सो आई स्टम्बल्ड अपॉन अ जॉब इन टू अ कॉल सेंटर. आई रिमेंबर दैट उस टाइम कॉल सेंटर की जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है उसके लिए भी पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे. सो आई टुक 7,000 रुपीज़ ऑन डेट बट सम हाउ आई गॉट माई फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक एंड आई गॉट अ सैलरी ऑफ 8,000 रुपीज़ एंड दैट वॉज अ मेजर अचीवमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन माई लाइफ. वेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जॉब रोल, मुझे वहाँ करना क्या था, मुझे वहाँ पर एक मल्टीनेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड सेल करने थे जहाँ पे मुझे लीड्स जनरेट करने होते थे. तो जब मैं फर्स्ट डे दिल्ली से फरीदाबाद रोज़ में ट्रैवल किया करता था, मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ जाके जो एटमॉस्फेयर देखा वो बहुत डिफरेंट था. इट वाज ऑल कॉरपोरेट एटमॉस्फेयर और मैं आया था डिफरेंट माइंडसेट के साथ जहाँ पे मैंने लेबर क्लास का वर्क भी करा था. तो कहीं ना कहीं वो थॉट्स आपके माइंड में इन्फ्लुएंस ज़रूर करते हैं आपको. एनी हाउ आई वर्क देयर फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड वन फाइन डे माई बॉस केम टू मी एंड ही सेड Supreet, sorry, we cannot allow you to continue because you are not able to perform as per the expectations.
मुझे एकदम से जैसी सर ने लाइन बोली मुझे वो इंसिडेंट याद आ गया स्कूल वाला जब मेरी टीचर ने सॉरी बोला था, उस वक़्त मेरे पास सिचुएशन चेंज करने के लिए कोई आइडिया नहीं था. द सिचुएशन वॉज नॉट अंडर माई कंट्रोल, बट टुडे सिचुएशन वॉज अंडर माई कंट्रोल. सो आई सेड बॉस मैं ज़रूर कुछ करता हूँ. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल स्ट्रेच टुडे एंड आई विल वर्क टिल लेट आवर्स. जब तक मैं आज दो लीड्स जनरेट नहीं करूँगा तब तक मैं आज घर नहीं जाऊँगा. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. आई क्रिएटेड सम स्ट्रैटेजी, आई डिड सम प्लानिंग, आई टुक हेल्प ऑफ माई कलीग्स एंड सम हाउ आई जनरेटेड टू लीड्स. बट what happened after that was something miraculous, because jahan pe logo ka target 25 leads ka tha wahan pe main 120 140 160 leads generate kar raha tha. ye aisa chalta raha 6 8 mahine tak and I was awarded as the best employee by the director of the company. So from my story folks, I want to convey a simple and small and effective and important message to all of you, that if you work hard towards your goal, if you do not give up, if you are persistent about your actions, your life will never remain the same. Your life will start changing. Aur aisa hi mere sath hua. For the next 10 years, I became a successful private banker. And after that, while I was serving the corporate world, I decided to leverage my experience. I started thinking to start my own entrepreneurial journey. Aur aaj main apna khud ka business kar raha hu. I remember those times jab mere paas जेब में पैसे नहीं थे एंड आई वॉज स्ट्रगलिंग फॉर माई एडमिशन इन द स्कूल. एंड टुडे इफ आई कंपेयर दैट सिचुएशन, टुडे आई एम एडुकेटिंग पीपल. सो द गाय हु डिड नॉट हैड मनी टू एडुकेट फॉर हिमसेल्फ, टुडे ही इज़ एडुकेटिंग अदर पीपल. सेकेंड थिंग जो चीज़ मेरे माइंड में हमेशा से मुझे सताती थी वो ये थी कि मैंने बहुत कम सैलरी पे स्टार्ट किया था. आई स्टार्टेड विद ओनली 2,000 rupees, बट आई एम ग्लैड टू शेयर टुडे दैट आई एम अर्निंग इन लैक्स टुडे every month and I feel abundance in life. And the third message which I want to give all of you is that there was a time in my life that I wanted to finish my life, but then one small action, one small thought has changed my life. And today I want to tell all of you that if you do not give up, if you take consistent action, your life will never remain the same, because from there you will only rise and shine. Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.